शिक्षक साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी शिक्षक, चाहे वो प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक या मिडिल स्कूल के हों, हाई स्कूल के हों, हायर सेकेंडरी के हों, सभी को cgschool.in की वेबसाइट में प्रोफाइल अपडेट करना है। तो सीजी स्कूल की साइट में आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर देखिए एक लाल पट्टी चल रही है, प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल। तो एक बार लॉगिन करने के प्रोसेस से यहाँ पर आके इसको कैसे अपडेट करना है, इस पूरी प्रक्रिया को आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इसे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में ही कर रहा हूँ। यदि यह वीडियो उपयोगी और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए प्रारंभिक पेज से देखते हैं। आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर है इसको आप क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पर cgschool.in टाइप करके गो करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह के मोबाइल में cgschool.in का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, हमें लॉगिन करना होगा। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भूल गए ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड फिर से पा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया चैनल में एक वीडियो के माध्यम से डली हुई है, जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो हम अभी लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर स्टूडेंट के रूप में भी लॉगिन है तो आपके यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिखेगा विद्यार्थी और शिक्षक का, तो हमें शिक्षक पर क्लिक करना है। तो सीधे मेन पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर शिक्षक की पूरी जानकारी यहाँ पर दर्ज होगी। ये हमारा फ्रंट पेज है। यहाँ पर देखिए शिक्षक प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थ, मैं जहाँ शुरू किया था देखिए अपडेट योर प्रोफाइल यहाँ पर लाल लाल चल रहा है। यहाँ पर जो लेफ्ट की ओर बाएं साइड में तीन तो लाइन दिख रही हैं, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर शिक्षक के कार्य जो दूसरा ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है शिक्षक संबंधी विवरण, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा। जूम करता हूँ, यहाँ पर शिक्षक कोड वाला ऑप्शन जो है आपका खाली रहेगा। यहाँ पर जो आपका कर्मचारी कोड है उसे यहाँ पर डालना है, और इसे डालते ही आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी और जो खाली रहेगी उसे भरेंगे। मेरा पहले से ही जानकारी इसमें डला हुआ है इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वेरीफाई अभी मेरा भी नहीं हुआ है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और इसको कम्प्लीट भी करेंगे। यहाँ पर शिक्षक कोड डालने के बाद यहाँ पर यह बताना होगा कि स्कूल में ही है कि प्रतिनियुक्ति पर है। यदि कहीं प्रतिनियुक्ति पर है तो उसे क्लिक करेंगे, नहीं तो स्कूल में क्लिक करेंगे। उस स्कूल का यूडाइस कोड डालना होगा। यूडाइस कोड डालते ही नीचे विद्यालय का नाम आ जाएगा। तो अगर आपका प्रमोशन हुआ या ट्रांसफर हुआ है उस स्थिति में आप यूडाइस कोड यहां पर बदल सकते हैं। बदलने पर आपको जिस विद्यालय में वहां का नाम आ जाएगा। दाईं ओर यहां पर देखिए फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो डालें या बदलें। तो यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरा फोटो पहले से यहां पर अपलोड है, यहां पर निर्देश लिखा हुआ है कि फोटो जेपीजी फॉर्मेट में हो, 100 KB से अधिक की फाइल ना हो। तो यहाँ पर चूज फाइल करेंगे तो आपको अपने मोबाइल से फोटो उठाने का ऑप्शन दे देगा, या मोबाइल का कैमरा ऑन करने का ऑप्शन देगा, या फाइल से उठा सकते हैं। और वहाँ सेलेक्ट करके आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर इस तरह फोटो आपका आ जाएगा। अब इस पेज पर आते हैं, थोड़ा नीचे की ओर आते हैं। अब यहाँ पर नाम हिंदी में, नाम अंग्रेजी में, ईमेल आईडी हमें सही सही दर्ज करना है, पिता का नाम या पति का नाम इसमें से सेलेक्ट करना है। अगर नाम यहाँ पर सिलेक्टेड है तो यहाँ पर पिता का नाम टाइप कर देना है, सही सही माता का नाम सही सही टाइप होना चाहिए। लिंग में ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे तो पुरुष महिला ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आ रहा है, इसका चयन करेंगे। जन्मतिथि यहाँ पर है, जन्मतिथि आप इससे सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर पर क्लिक करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डन करेंगे और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जाति में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जो भी लागू होता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जाति में अगर अनुसूचित जनजाति सिलेक्ट करते हैं तो विशेष पिछड़ी जनजाति की स्थिति में उपजाति का चयन करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद संवर्ग का प्रकार यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर संवर्ग के प्रकार में अतिथि शिक्षक, शिक्षा विभाग लोकल बॉडी, शिक्षा विभाग ई संवर्ग, शिक्षा विभाग ई संवर्ग नियमित, शिक्षा विभाग टी संवर्ग नियमित, सब ऑप्शन है। इसमें जो भी सही है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। जैसे मेरी स्थिति में शिक्षा विभाग लोकल बॉडी ई संवर्ग है तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। नियुक्त पद, किस पद पर नियुक्त है उस पद का यहाँ पर से चयन करना होगा। फिर है विषय, विषय का ऑप्शन हाइट है, ये व्याख्याता के पद में जब जाएंगे तो विषय का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नियुक्ति का प्रकार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट टीचर, जैसा भी है। अगर प्रमोशन है तो प्रमोशन, संविलियन है संविलियन, वर्तमान पद में जिसमें से भी आए हुए हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
संविलियन की तिथि, तो संविलियन की तिथि जैसे मेरी स्थिति में 1/7/18 है, तो हम यहाँ से 2018 जुलाई में 1 जुलाई 18 सेलेक्ट कर लेंगे। प्रथम नियुक्ति की तिथि यहाँ पर पहले से एंटर है, सेवानिवृत्ति की तिथि अपने आप आ जाएगी। यदि प्रथम नियुक्ति की तिथि आपको बदलना है तो यहाँ बदल सकते हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि आपके डेट ऑफ बर्थ से ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। वर्तमान स्कूल पदस्थापना की तिथि भी यहाँ पर इसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे। वर्तमान पद जो है, क्योंकि नियुक्ति का पद अगर आप प्रमोटेड हैं तो पहले वाला पद रहेगा, वर्तमान पद यहाँ पर जो वर्तमान का पद होगा, मान लीजिए पदोन्नत होकर नया पद है तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर ड्राप डाउन करेंगे तो सभी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जो भी आप पे लागू होता है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उच्चतम व्यावसायिक योग्यता में BTI, DEd, BEd सभी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जो भी आप पे लागू होता है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सम्मानित पुरस्कार यदि कोई है तो उसे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। विकलांगता का प्रकार यदि कोई है तो यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं या लागू नहीं ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। CWSN शिक्षण के लिए प्रशिक्षित है, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पर यस क्लिक कर देता हूँ तो आपको डीएड, बीएड, डीएड विथ स्पेशल एबिलिटी, बीएड विथ स्पेशल एबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मेरी स्थिति में यहाँ पर नो है तो ये अपने आप हाइड हो जाएगा। मूल पद का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यदि आप में आता है तो उस तरह लागू होता है तो आप चयन कर सकते हैं। गृह जिला का नाम यहाँ पर सेवा पुस्तिका के अनुसार जो होगा उसको आपको टाइप करना होगा। यहाँ पर स्थायी पता और वर्तमान पता, यहाँ पर अभी की स्थिति में जो भी है उसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर और शिक्षण के लिए उपयोग में प्रशिक्षित हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड। सेवानिवृत्ति की योजना, आपने NPS अगर लिया है, जो नई पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम, तो NPS करेंगे। जैसे मेरी स्थिति में OPS है, मैंने OPS को टिक कर दिया। अब OPS चयन दिनांक, तो OPS जो है सभी के लिए छत्तीसगढ़ में लागू हुई है 1 अप्रैल 2022 से, कर देते हैं यहाँ 1 अप्रैल 22 आ गया। पदोन्नतियाँ प्राप्त हैं तो, यदि पदोन्नत मिली हुई है तो यहाँ प्रयास करेंगे, नहीं मिले हैं तो नो करेंगे। क्रमोन्नत और समय मान वेतन मान है तो अगर मिला है तो यस रहेगा, नहीं तो नो रहेगा। पति या पत्नी शासकीय सेवा में है, अगर दोनों ही शासकीय सेवा में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पूर्व शासकीय सेवा में रहे हैं, पहले से भी रहे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। विशेष अभियुक्ति, अगर कुछ यहाँ पर विशेष टिप्पणी है, कुछ जानकारी अपने बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ऊपर आपने जो भी जानकारी दी है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं तो फाइनल सबमिट करेंगे, और ये लगता है कि नहीं कुछ जानकारी तो हम अभी भर लिए हैं, कुछ जानकारी और पता करके भरेंगे, तो उस स्थिति में सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन क्लिक कर देना है। सेव एज ड्राफ्ट करने से होगा, जितना भी भरे रहेंगे उतना आपका सुरक्षित रहेगा। फिर खोलेंगे, कुछ नया एंट्री करना है फिर एंट्री करिए, सेव एज ड्राफ्ट करिए। फिर कुछ बचा रहेगा फिर एंट्री करिए, सेव एज ड्राफ्ट करिए। और ये लगता है कि सब कुछ सही हो गया तो एक बार ऊपर से नीचे चेक कर लीजिए और फाइनल सबमिट करना होगा। तो मैंने ऊपर से नीचे तक चेक कर लिया, सब सही है, इसलिए मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करूंगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन आ गया, क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी भी अगर लगता है कि सुधार बाकी है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में सब सही है तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, हम यहाँ पर करेंगे OTP प्राप्त करें। यहाँ पर आ गया कि दर्ज मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है उस पर OTP भेजा गया है, कृपया वेरीफाई कर फाइनल सबमिट करें। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर 4 अंक का OTP आ गया है जिसे मैं टाइप कर देता हूँ। ये OTP टाइप करने के बाद बाएं की ओर खिसकाएंगे, इसमें घड़ी स्टार्ट हो गई है, तो हम OTP डाल दिए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद OTP वेरीफाई करने पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया, मतलब मेरा प्रोफाइल जो है सुरक्षित हो गया और वेरीफाई हो गया है। शिक्षक के कार्य पर क्लिक करेंगे, शिक्षक संबंधी विवरण पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें, आपने अपना प्रोफाइल फाइनल सबमिट कर दिया तथा आपकी जानकारी DDO को भेज दी गई है, अतः आप अपने प्रोफाइल में कोई संशोधन नहीं कर सकते। मतलब मैं अपनी जानकारी सबमिट कर दिया हूँ तो अब ये DDO के पास चला गया, वहाँ से वेरिफिकेशन सर्विस बुक के हिसाब से होगा। तो एक टीचर के रूप में मेरा काम यहाँ पर पूर्ण हो गया है। साथियों, इसी तरह आप भी अपना इस विभागीय दर्पण में cgschool.in की वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और उसको सबमिट करके वेरीफाई करवा सकते हैं, और सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। तो जितना जल्दी हो सके सभी शिक्षक साथी इसे कंप्लीट कर लें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।